हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ चटपटी खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी की रेसिपी, जो आपने देखा होगा भंडारे में बनती है। भंडारे में ये जो सब्जी कद्दू की चटपटी सी होती है, हलवाई बनाते हैं। बिल्कुल, आप एक बार बनाएंगे ना, आपको इतनी टेस्टी लगेगी कि आप बार बार बनाना चाहेंगे ऐसी कद्दू की सब्जी। तो चलिए, सबसे पहले मैं उसको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। मैंने देखिए 1.5 किलो कद्दू लिया था। उसकी छिलके और बीज वगैरह निकालने के बाद अराउंड 1.25 केजी कद्दू है ये। आप चाहें तो इसका छिलका, अगर मुलायम है, सॉफ्ट है, कच्चा है, तो आप छिलका भी चाहें तो डाल सकते हैं। कई लोग कद्दू में छिलका भी डालते हैं, पर मैंने छिलका उतारा हुआ, थोड़ा हार्ड था कद्दू का। और बाकी मैंने, आप इसको एक बात का ध्यान रखिएगा, या तो सरसों के तेल में बनाइएगा या देसी घी में, रिफाइंड में मत बनाइएगा क्योंकि वो मज़ा नहीं आएगा। मैंने देसी घी लिया हुआ है। देखिए, वैसे गुड़ लिया हुआ है, वैसे 1 केजी में 50 ग्राम्स अराउंड गुड़ पड़ जाता है, तो ये 50 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ है। ये देखिए, धनिया लिया हुआ है, हरा धनिया, 1 इंच का अदरक लिया हुआ है, छोटा छोटा कटा हुआ है, 1/2 टीस्पून हींग है, ये चाट मसाला या है आप ले सकते हैं, आमचूर पाउडर है वो 1 टेबल स्पून ये लिया हुआ है, और ये 1 टीस्पून ये ली हुई है कसूरी मेथी, और ये देखिए 2 हरी मिर्चें हैं लंबी लंबी काटी हुई, और 2 लाल मिर्च हैं, क्योंकि ये तीखा भी, खट्टा भी होगा, मीठा भी होगा, करारा भी होगा, तो सब कुछ मिला जुला बहुत ही टेस्टी यमी कद्दू बनेगा। तो चलिए, अब बाकी ड्राई स्पाइसेस तो डलेंगे, मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। चलिए, अब हम कद्दू बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम कद्दू बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए देखिए, मैंने लोहे की कढ़ाई ली हुई है, और साइज़ भी कढ़ाई का बड़ा है, क्योंकि कद्दू होता तो ज़्यादा है पर बन के बहुत थोड़ा हो जाता है वैसे बेसिकली, तो उसको इतना स्पेस होना चाहिए कि हम उसको अच्छे से हिला सकें। तो चलिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, मैं ऑयल डालूंगी, मैंने देसी घी लिया है, तो अराउंड देखिए 2 टेबल स्पून तो अराउंड आराम से देसी घी पड़ जाएगा, तो वो थोड़ा सा और डालूँ, 2.5 टेबल स्पून। उसके बाद हम देखिए, तो ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये ग्रीन चिली और ये हरी मिर्ची डाल देंगे, रेड चिली, इसको थोड़ा सा हल्का सा होने देंगे ऑयल में। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे, इसे जरा सा मिर्ची हो जाए, इसमें 1/2 स्पून जीरा, साबुत जीरा डालेंगे। इस टाइम पे हम गैस स्लो कर देंगे। देखिए, जीरा डाला, इसके बाद 1/2 स्पून हल्दी, अराउंड 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, नमक तेज के हिसाब से भी होगा आपका। ये देखिए, धनिया पाउडर डल जाएगा, 2 टीस्पून डल जाएगा, थोड़ी सी लाल मिर्च, और इसके बाद हम डालेंगे ये कश्मीरी लाल मिर्च, अराउंड 1 बड़ा चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च का डालेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी हरी मिर्च और लाल साबुत मिर्च को डाल चुके हैं, तो करारापन अब हमें नहीं चाहिए, हम कलर के लिए थोड़ा सा ये कश्मीरी लाल मिर्च हमने डाली है। अब इसके बाद हम इसमें ये डाल देंगे, अदरक बाद में डालेंगे, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अदरक जलना नहीं है। अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे अदरक, इसको जरा सा हिला लेंगे। मसाला ज़रूर पकाइएगा, मसाला कच्चा मत छोड़िएगा, क्योंकि कच्चे मसाले में सब्जी का स्वाद नहीं आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम ये डाल देंगे इसमें जो हमने ये हींग थी, अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे ये जो कद्दू हमारा कटा पड़ा था, ये हम इसमें डाल देंगे, और उसके बाद हम इसको अच्छे से हिला देंगे। हम इसको अच्छे से हिला, देखिए फ्रेंड्स, सारे कद्दू को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम कवर कर देंगे, और इसको हमें कम से कम 10 से 12 मिनट तक पकाना है, पर बीच में एक दो बार हम हिलाएंगे, क्योंकि लोहे की कढ़ाई यूज़ की है तो नीचे लगे ना कद्दू, इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे। चलिए, 5 मिनट बाद हम इसको हिलाएंगे। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और कहना चाह रही हूँ, सॉरी, मैं काली मिर्च डाल रही थी तो मैंने उसको लाल मिर्च मेंशन कर दिया, कश्मीरी लाल मिर्च से पहले, तो सॉरी फॉर डैट। चलिए, अब हम कद्दू को 5 मिनट बाद चेक करते हैं। 5 मिनट हो गया, इसको हम एक बार ही चेक कर लेते हैं। देखिए, कद्दू ने अपना पानी थोड़ा सा छोड़ना शुरू कर दिया है,
बार हम इसको हिला के फिर से कवर कर देंगे अच्छे से। ये हिला लिया हमने, इसको अभी हम 5-7 मिनट के लिए, हम फिर पानी छोड़ रहे हैं तो अब हम इसको 5-7 मिनट के लिए इसको हम पकने देंगे, उसके बाद फिर चेक करते हैं। अब हम इसको एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। देखिए बढ़िया, कई लोग कद्दू साबुत बनाते हैं, कई लोग बिल्कुल इसको तोड़ लेते हैं, पका लेते हैं, तो आपने जैसे भी बनाना पसंद करते हैं। तो तोड़ के बनाऊंगी, आपको वही दिखाऊंगी अभी इस टाइम पे। ये देखिए इसको थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से, क्योंकि इसको अभी हमें एक बार और रखना है, कद्दू गला नहीं, क्योंकि कद्दू की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कई बार ही, कि कई बार कद्दू बहुत जल्दी पक जाता है, पर लगभग हुआ हुआ है। इसको 5 मिनट के लिए अभी हम और कवर करके रख देते हैं। कई बार कद्दू बहुत जल्दी 10 मिनट में अच्छे से गल जाता है, कई बार 10-15 मिनट लग जाते हैं, तो चलिए इसको एक बार हम कवर करके और ढक देते हैं। अब हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसको अब हम ऐसे इसी से दबाते जाएंगे। अब इस टाइम में हमने क्या करना है, ये जो गुड़ लिया हुआ था, मेरे पास जागरी पाउडर नहीं है, वैसे तो जागरी पाउडर डालते हैं, ये देखिए मैंने गुड़ लिया था 60 ग्राम अराउंड है, हम इसको डाल देंगे। कोई बात नहीं, आप देख रहे हो मोटे मोटे, अभी थोड़ी देर में ये गल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पड़े रहने देंगे ऐसे ही। अभी देखिए और इस टाइम पर हम इसको कद्दू को यूं करके दबाएंगे ऐसे ही। ये साथ साथ गुड़ अपना मिक्स होता रहेगा, घुल जाएगा, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कद्दू भी बहुत गर्म है, कढ़ाई भी गर्म है, तो वो बस हम इसको इस तरीके से खोल के 5-7 मिनट हिला लेंगे इस तरीके से, और यूं करके साथ साथ कद्दू को थोड़ा थोड़ा दबाते जाएंगे, यूं करके दबा दबा के, ये देखिए इस तरीके से हम करते जाएंगे। देखिए 5 मिनट मैंने इसको अच्छे से इस तरीके से कर करके कर लिया, देखिए कद्दू बिल्कुल हमारा तैयार हो गया। अब इस टाइम पे हम इसमें ये डाल देंगे, ये जो हमने अमचूर पाउडर लिया था, अब हमने इसको चटपटा भी तो करना, मीठा कर लिया, मिर्चे डाल ली, अब हमने इसको कुछ चटपटा भी तो बनाना है। इसमें हम अगर अमिया आ रही है तो आप अमिया भी काट के कच्ची डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है, या अनारदाना आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है इसमें। ये देखिए हमने अमचूर डाला, अब इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे जितना कटा हुआ धनिया था, हमारा देखिए गुड़ भी सारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, थोड़ा सा बचा है, ये भी अभी होते होते भूनते भूनते ये भी अभी मिक्स हो जाएगा। ये देखिए अब इसके बाद बची है कसूरी मेथी, तो कसूरी मेथी हम लेके हाथ से रगड़ के अच्छे से डाल देंगे बस। अब हमने इसको 2 मिनट अच्छे से भून लेना है, जिससे सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। ये हमारा कद्दू बस बिल्कुल रेडी हो गया है, बस इसको खोल के इसको थोड़ा सा सुखा लेंगे, ज़्यादा नहीं सुखाना, कद्दू सूखा सूखा नहीं होता। देखिए बस अब हम इसको 2 मिनट कर लेते हैं, 2 मिनट इसको भून लिया है, हमारा कद्दू बिल्कुल तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसको सर्व कर देते हैं। आप एक बारी सर्व करने से पहले चख लीजिएगा, जैसे नमक है कोई थोड़ा सा तेज खाता है तो उसी हिसाब से आप चख लीजिएगा, आपको जो लग रहा हो कि थोड़ा मीठा ज़्यादा करना है या खट्टा ज़्यादा करना है, उसी हिसाब से जो चीज़ बढ़ानी घटानी है आप कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए हम इसको सर्व कर देते हैं। देखिए ये कद्दू की सब्जी बनके तैयार हो गई है, बिल्कुल जैसे भंडारे में बनती है, जैसे हलवाई बनाते हैं ना,
बिल्कुल वैसी ही बनी है, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और अगर अच्छी लगी तो इस मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।